होना चाहिए कि आपके नहीं रहने पर, आपके साथ कोई बड़ी क्रिटिकल इलनेस होने पर, आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने पर आपके परिवार को वो पैसा मिल जाए, ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए जिससे आप परिवार परेशानी में नहीं आएगा, आप कभी भी फेल नहीं होगे, यानी कि पप्पू कभी भी फेल नहीं होगा और पप्पू हमेशा पास होगा। आपको डिसाइड करना है पप्पू फेल होना चाहिए या पप्पू पास होना चाहिए। आप अपने परिवार की नजरों में फेल होना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं। ये अरेंजमेंट बहुत ही सस्ते पैसे में मिलता है दोस्तों। 1 करोड़ का पॉलिसी, 2 करोड़ का पॉलिसी हार्डली 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपए सालाना में आराम। दोस्तों पप्पू पास हो गया या पप्पू फेल हो गया, ये बहुत सारे लोगों ने डायलॉग सुना होगा। दोस्तों बहुत सिंपल लॉजिक के साथ आपको बताता हूँ, जिस परिवार के अंदर पिता फेल हो जाए उसकी पूरी फैमिली फेल हो जाती है। हाँ दोस्तों बहुत सिंपल वर्किंग के साथ आपको शेयर करूंगा, जिस परिवार के अंदर जो फादर है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर वो अपने परिवार की चिंता नहीं करता है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है, तो उसका परिवार बहुत जल्दी बिखर सकता है, वो पप्पू फेल हो सकता है, वो कभी भी पास नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों इस वर्किंग को ध्यान से समझाने बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा नाम योगेंद्र वर्मा और मैं जनरली आपके साथ वो रियल फैक्ट्स शेयर करता हूँ, और इसीलिए मुझे इंश्योरेंस एक्सपर्ट बोलते हैं, और पिछले 28 सालों से लोगों की हेल्प करता हूँ। नई नई वर्किंग, नई नई स्ट्रेटजीज लोगों के साथ शेयर करने की वजह से लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे मानते हैं, उनको रेगुलरली बढ़िया और अच्छी एडवाइस प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को जरूर जरूर क्लिक करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि पप्पू फेल हो गया या पप्पू पास हो गया, ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। आप खुद अपनी फैमिली के पप्पू हो सकते हैं, लेकिन पप्पू पास होगा या पप्पू फेल होगा ये डिसीजन आपका होगा, और वो कैसे होगा इस वीडियो में मैं ध्यान से जेन्युइनली बताने समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक रेस्पॉन्सिबल पिता हैं, एक रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड हैं, और एक रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी के पर्सन हैं, जो भी जहां भी आप जैसे भी रहते हैं। अगर आप अपने परिवार से प्यार नहीं करते, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, तो ये पहला फॉरमोस्ट आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, क्योंकि फ्यूचर अनसीन है, आगे का किसी को नहीं पता कब किसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों मुझे 28 साल हो गए हैं इंश्योरेंस में, और मैं बहुत सारे परिवारों से मिलता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, उन्हें ऐसा विश्वास है कि कभी उनको कुछ नहीं हो सकता, ना तो उनको कभी कोई कभी बड़ी बीमारी हो सकती, ना कभी वो मरेंगे, ना उनके साथ कभी कोई एक्सीडेंट होगा। दोस्तों ऐसे बहुत कम इंश्योरेंस एजेंट्स मिलेंगे आपको, जो आपको आपके बारे में इतनी कड़वी सच्चाई के साथ बात करेंगे। दोस्तों मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, आज आप 22 साल के हैं, आज आप 25 साल के हैं, आज आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, और आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, और वो भी सब आपके ऊपर डिपेंड है, और आप ही अपने परिवार के ओनली कर्ता धरता है, यानी कि अपने परिवार के सबसे प्यारे हैं, सबसे प्यारे पप्पू है, अपने माँ बाप के पप्पू हैं, अपने परिवार के पप्पू हैं, और अपने बच्चों के पप्पू हैं। वो पप्पू का मतलब फादर एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू आपकी, आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपने बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने घर का भी इंश्योरेंस कराते होंगे, लेकिन क्या आपने सबसे मूल्यवान चीज अपने आप का भी इंश्योरेंस कराया कि नहीं? आपका खुद का बड़ा इंश्योरेंस टर्म प्लान है या नहीं? अगर आपको कुछ हुआ, यानी कि आप फेल हुए, जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप मर जाएं, मरने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसमें आपकी परिवार की टोटल अर्निंग जीरो हो सकती है, क्योंकि आप ही अपने परिवार के कर्ता धर्ता हैं, और आपको क्या क्या ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जिंदा रहते रहते भी नॉन वर्किंग सिचुएशन में आ सकते हैं, और जो आपकी वाइफ है, जो आज महारानी है,
वो कल नौकरानी बन सकती है, लोगों के घरों में काम करना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी केयरलेस होने की वजह से। दोस्तों मैं बहुत सिंपल लॉजिक के साथ वो सारे जल्दी जल्दी शॉर्ट चीजें आपको बताता हूँ जो आपके साथ घटित हो सकता है। दोस्तों आपको कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो सकते हैं और आप जिंदा रह सकते हैं। आपको भगवान ना करे कोई बड़ी क्रिटिकल इलनेस हो जाए, कोई कैंसर हो जाए, कोई न्यूरो की दिक्कत हो जाए, कोई लीवर की दिक्कत हो जाए, कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए जिसका लाइलाज होना, या कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो 3 साल 5 साल 10 साल चलती है, 20-20 साल चलती है, और उस सिनेरियोज में आप कहीं भी वर्किंग सिचुएशन में नहीं रह सकते क्योंकि जिसको भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है दोस्तों वो अपना नेचुरल रूटीन में काम नहीं कर पाता है। जिसको भी कोई बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं वो कभी भी सारी जिंदगी खड़ा तक नहीं हो सकता है। ऐसे सिनेरियोज में जिंदा रहते रहते जो आपका परिवार एक अच्छे तरीके से रह रहा था, बढ़िया से आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा था, बहुत कुछ आपके ऊपर फ्यूचर प्लान थे, आपने बच्चों की बढ़िया शादी करनी थी, आपको बच्चों की हायर एजुकेशन करानी थी, आपको वाइफ को वर्ल्ड टूर कराना था, आपको खुद भी वर्ल्ड टूर करना था, अपने माँ बाप को चारों धाम दर्शन कराने थे, वो सब धरे के धरे रह सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर केयरलेस। आपने केयरलेस किया, आपने अपना टर्म प्लान नहीं लिया और उसकी वजह से आपकी परिवार खतरे में आ गया, आप फेल हो गए, पप्पू फेल हो गया। हाँ दोस्तों इसी सिनेरियोस में बहुत सारे पप्पूज फेल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ सकते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी भी बड़ी बीमारी के शिकार नहीं हो सकते, उन्हें ऐसा लगता है उनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, कोई उनको जान से मार के नहीं जा सकता, उनके घर में कोई चोरी डकैती होने की वजह से कोई उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोई उनके दुश्मन नहीं हो सकते, और रोड अनसीन है। जो अब आप रोड पे रोज सुबह शाम आते और जाते हैं वहां पर कितने तरह के रोज एक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज कितनी होती है जिसकी वजह से फैमिली का हेड ऑफ द पर्सन अगर एक्सपायर हो गया तो दोस्तों आपका परिवार पूरा का पूरा फेल हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ पप्पू फेल हो गया। दोस्तों इस पप्पू को पास करना है तो अपना प्रोटेक्शन लेके चलिए, जो भी आपकी साल की इनकम है उसका 15 गुना 20 गुना आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं तो साल की 12 लाख रुपए की इनकम हो गई, उस साल की 12 लाख की इनकम का 10 गुना 20 गुना 25 गुना आपका होना चाहिए, मेरे मानने में कम से कम 15 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी कि जिसकी 10 लाख रुपए साल की इनकम है उसका 15 गुना का मतलब है 1.5 करोड़ की इनकम उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, 20 गुना का मतलब है 2 करोड़ इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसकी 2 लाख रुपए साल की इनकम है उसका कम से कम 10 गुना 20 लाख का इंश्योरेंस, 15 गुना 30 लाख का इंश्योरेंस, 20 गुना 40 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसकी 5 लाख की इनकम है उसको कम से कम 75 लाख का इंश्योरेंस, 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए कि आपके नहीं रहने पर, आपके साथ कोई बड़ी क्रिटिकल इलनेस होने पर, आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने पर आपके परिवार को वो पैसा मिल जाए, ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए जिससे आप परिवार परेशानी में नहीं आएगा, आप कभी भी फेल नहीं होगे, यानी कि पप्पू कभी भी फेल नहीं होगा और पप्पू हमेशा पास होगा। आपको डिसाइड करना है पप्पू फेल होना चाहिए या पप्पू पास होना चाहिए, आप अपने परिवार की नजरों में फेल होना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं। ये अरेंजमेंट बहुत ही सस्ते पैसे में मिलता है दोस्तों, 1 करोड़ का पॉलिसी, 2 करोड़ का पॉलिसी हार्डली 15,000-20,000-25,000-30,000-40,000 रुपए सालाना में आराम से मिल सकती है, जिसमें आप परिवार के सामने नजरें मिला सकते हैं, उनको जिंदगी भर वो प्राइड दे सकते हैं, वो खुशी दे सकते हैं कि ये आज मैं हूं तो मुझे किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार होंगे, आपका परिवार आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप इंश्योरेंस लो, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिसीजन इज ओनली योर्स। और मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पप्पू पास होगा या पप्पू पास नहीं होगा ये आपको डिसाइड करना है। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट, ये वीडियो समझ में आया हो तो आप व्हाट्सएप पे लिखिए पप्पू पास होना चाहता है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना स्मोकिंग हैबिट्स और अपनी लोकेशन आप मुझे भेजिए, मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करूंगा, आपको अपने परिवार की नजरों के लिए, अपने खुद के कॉन्फिडेंस के लिए अपना टर्म प्लान जरूर जरूर लेना चाहिए जो आपके लिए बहुत एक्सट्रीम पावरफुल हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा हो। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, थैंक यू सो मच।